हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके दोस्त जीत और आज हम सीखेंगे एक सुंदर सा गालीचे रंगोली। हालांकि ये गालीचे रंगोली थोड़ा सा नॉर्मल रंगोली से अलग होता है क्योंकि इसमें पाउडर्स कलर पाउडर्स से वर्क करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम हाथ से नहीं फील कर सकते, इसके लिए हमारे पास चालनी होना। तो यहाँ पर दो चालनी यूज़ करूँगा मैं, एक तार वाली चालनी और एक जो प्लास्टिक की जो जाली रहता है वो वाला। तो जहाँ पे शार्प जगह मैंने शार्प कॉर्नर बनाना है वहाँ पर तार वाले जाली यूज़ करते, जो तार वाले चालनी है वो यूज़ करते, और जहाँ पे शेड देना है वहाँ पर प्लास्टिक वाले चालनी यूज़ करते हैं। जैसे आप आउटलाइन दे रहा हूँ मोर पंख से, तो ये जो चालनी है ये लोहे के तार वाला चालनी है। ठीक है, तो मोर में कलर फिल करना है। जैसे मोर का आउटलाइन से मैं कलर फिल कर रहा हूँ जो रानी कलर, इसके लिए मैंने तार वाले चालनी यूज़ किया क्योंकि इसमें थोड़ा सा पाउडर जल्दी गिरता है क्योंकि इसका थोड़ा जो छेद है वो बड़ा होता है, तो प्रॉपरली वो जो आउटलाइन है वो प्रॉपरली बनता है। तो ठीक है, ये मोर बना लिए। इसके बाद जो कलर है वाइट रंगोली, उससे आउटलाइन बना लेंगे हाथ से ही। आप चाहे तो फनेल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये गालचे रंगोली में थोड़ा सा मोटा लाइन होना चाहिए क्योंकि बड़ा रहता है, थोड़ा सा मोटा आउटलाइन अच्छा दिखता है। और ये जो मैं वाइट रंगोली यूज़ कर रहा हूँ, इसका नंबर है 19। ये 19 नंबर के रंगोली है, थोड़ा सा मोटा रहता है, थोड़ा फ्रीली हाथ से गिरता है और जो जो सारी शेप है वो थोड़ा सा अच्छे से बन जाता है। जैसे यहाँ पर हाथ से जो ब्लैक लहसुन का आइज़ बनाया, ये नॉर्मल रंगोली है क्योंकि हम ये जो आइज़ है ये चालनी से नहीं बना सकते। ठीक है, तो जहाँ पे ज़रूरत है छोटे मोटे चीज़ हम नॉर्मल रंगोली भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद जो झालर है इसको ग्रीन कलर से फिल करेंगे। तो झालर में कैसा थोड़ा सा जो फोल्ड रहता है, फोल्ड भाग में कैसे एक साइड में डार्क दिखाना पड़ता है, एक साइड में लाइट दिखाना पड़ता है। इसे दोनों कलर को ब्लेंड करना है, तो आप ये कागज़ में लिखिए, वो दोनों कलर को मिक्स कर लीजिए दोनों पाउडर को, और फिर वहाँ पर जो प्लास्टिक वाला चालनी है उससे वो दोनों कलर को मिक्स करना है। ठीक है, ये जो कलर होता है पाउडर के लिए बहुत ही ब्राइट होता है क्योंकि जब हम शादी वादी को कोई फंक्शन में बनाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर दिखता है और बहुत अच्छा दिखता है। तो पहले हमने रानी कलर भरे थे, उसके बाद पिंक कलर जो बैकग्राउंड बनाना है। जैसे यहाँ पर मैं शादी के फंक्शन के यानी वेलकम रंगोली बनाया, तो यहाँ पर दो तबला और एक शहनाई ऐड कर दिया ताकि जो उस जो लुक है जो शादी के जो कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आप बहुत कुछ सारे चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा झारल बना लिया हमने ग्रीन कलर से। एक रंगोली कैलीग्राफी के टूल है जिससे हम लिख सकते हैं, थोड़ा चौड़ा भी आता है, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच के, तो मैंने ये 1/2 इंच के टूल से लिख रहा हूँ सुसोगतम। आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी लिख सकते हैं इसको सुसोगतम को। इसके बाद यहाँ पर एक टेक्निक है थोड़ा सा, जो पहले कलर फिल करना है उसके ऊपर कुछ साहित्य तो रख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कॉयल, डिस्पोजल जो कटोरी है वो, और कप, उसके ऊपर हमें जो ब्लैक कलर के पाउडर है वो ब्लैक कलर के पाउडर पूरा पैक कर देना है, और फिर जो सामान रखे थे उसको हटा देना है, एक सुंदर सा शेप बन जाता है।
उसके बाद दूसरा एक टेक्निक है यहाँ पर कि जो पाउडर कलर पाउडर का रखना है क्रश क्रश करके, और ये जो विजिटिंग कार्ड है विजिटिंग कार्ड से उनको थोड़ा प्लेन करना है, तो दोनों साइड में लाइट से डार्क कलर तक जाना, जैसे आप पहले येलो फिर थोड़ा ऑरेंज उसके थोड़ा सा डार्क ऑरेंज उसके बाद थोड़ा सा उससे डार्क ऑरेंज फिर रेड, आपके पास कत्था नहीं है तो रेड के साथ ब्लैक मिला के कत्था बना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग से इफेक्ट आता है, अच्छा दिखता है। कहीं पे खाली जगह है तो आप कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं, ये पट्टा के डिज़ाइन आप हाथ से बना सकते हैं, तो ये इस प्रकार के सुंदर सा कोई शादी ब्याह के फंक्शन में हम बना सकते हैं बड़ा करके, तो इसको बोलते हैं गालीचा रंगोली जो पाउडर कलर से बनाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता है और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।